हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। हम लोग जो है इंग्लिश स्पोकन का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी क्लास जो है आज 3 क्लास यानी कि क्लास नंबर 3 है, लेसन नंबर 3 है और तीसरा दिन है इंग्लिश सीखने का। ये तीसरा दिन है और यकीनन आप लोग जो हैं पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि डे 1 इंग्लिश कोर्स का डे 2 आप देखे होंगे, तो आज का ये वीडियो जो है आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में इम्प्रूव करना जो है एक्चुअल में सिखा देगा। तो आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो ये क्लास जो है आपको समझ में नहीं आएगा, तो उन दोनों वीडियो को जाकर आपको देखना होगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप जरूर उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम देखते हैं। देखिए, इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 3 है और इसमें हम लोग जानेंगे, यानी पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन के बारे में जाना था कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, ही के साथ किसका प्रयोग होता है, दे के साथ किसका प्रयोग होता है, वी के साथ किसका प्रयोग होता है, तो उसी को आज हम लोग सेंटेंस के रूप में जानेंगे। जैसे जब आपको किसी अपने बारे में बताना हो या किसी दूसरे के बारे में बताना हो इंग्लिश में, जब आपको खुद के बारे में या दूसरे के बारे में बताना हो इंग्लिश में, तब हम लोग किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए, आई मतलब मैं होता है, यानी कि खुद के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है, हम लोग जानते हैं, और उसके बाद जो है दूसरे के बारे में, तो दूसरा ही मींस का होता है, वह दूसरा है, तो वह के साथ किसका प्रयोग, इज का प्रयोग होता है कि नहीं। तो देखिए, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, मैं किसके बारे में बता रहा हूं, खुद के बारे में, तो सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, ये सब किसके, दूसरे के बारे में बताएं, और अपने बारे में बताएं तो आई एम ए बॉय। अपने बारे में या दूसरे के बारे में जब बताना हो तो हम लोग जो है अपने बारे में एम का प्रयोग करते हैं और दूसरे के बारे में ही इज ए बॉय, लड़की रहेगी तो क्या करेंगे, सी इज ए गर्ल। ये सब जो है आपको प्रैक्टिस करना होगा, अपने बारे में दो चार लाइन बोलना होगा। जैसे कि देखिए, आई एम अ बॉय, सेकेंड लाइन आई एम अ 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का हूं, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अब बताइए आप कितने साल के हैं, आप अपने बारे में बताइए, आप दोस्त आपके दोस्त कितने साल के हैं उसके बारे में बताइए। जैसे कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का हूं, ही इज अ 30 ईयर्स ओल्ड, वह जो है 30 साल का है, ही इज अ 35 ईयर्स ओल्ड, वह जो है 35 साल का है, सी इज अ 14 ईयर्स ओल्ड, वह जो है 14 साल की है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस जो है आपको बताना होगा जैसे आई के साथ एम का प्रयोग होता है, हम लोग जानते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए सेकंड, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अब मेरा दोस्त जो है मान के चलिए बिजनेसमैन है, तो क्या कहेंगे, He is a businessman. अब कोई मेरी दोस्त है जो लड़की है तो उसके बारे में क्या कहेंगे, She is a businessman. तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा है कि नहीं। तो आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, वे लोग जो हैं शिक्षक हैं तो क्या बताएंगे, They are teachers. वे लोग जो है शिक्षक हैं, दे के साथ आर का प्रयोग होता है कि नहीं। तो आपको जो है कॉम्बिनेशन बनाना होगा, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। अगर यही हम दूसरे के बारे में कहते हैं कि वह एक अच्छे शिक्षक हैं, तब क्या कहते हैं, He is a good teacher. है कि नहीं। अब वह एक अच्छी शिक्षक क्या थी। अब हम पास्ट टेंस में जाते हैं, वह एक अच्छी शिक्षक थी, तब क्या कहेंगे, She was a good teacher. अब अपने बारे में पास्ट में, मैं एक शिक्षक था। मैं क्या होगा, आई वाज ए टीचर्स। तो आपको जो है सेंटेंस बनाना, और ये देखिए
एम एम की जगह अगर प्रेजेंट में है तब एम का प्रयोग कर रहे हैं, अगर पास्ट में होता तो वाज का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर में होता तो विल का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो आपको इस पे सेंटेंस बनाना आना होगा। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा, उसको याद करना होगा, तब जो है इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो खुद के बारे में या दूसरे के बारे में बात करना हो तो ऐसे हम लोग करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट, दूसरा, जब इमोशन, इमोशन मीन्स किसी का भाव प्रकट किया जाता है या किसी की विशेषता, किसी के क्वालिटी जब बताया जाता है, तभी जो है हम लोग एम का ही प्रयोग करते हैं और इज का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई एम हैप्पी, मैं जो हूँ खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तब मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूँ, इमोशन प्रकट कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। अब बताइए, अब आप खुश हैं तो आपको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ही इज हैप्पी, वह खुश है, वह खुश है, ही इज हैप्पी। अब लड़की है तो क्या कहेंगे, सी इज हैप्पी, वह खुश है। अब पास्ट में जाते हैं तो वह खुश था, सी वॉज हैप्पी, वह खुश थी, वह खुश था, ही वाज हैप्पी, वह खुश थी, तो सी वाज हैप्पी। आपको ये सब जो है बनाना आना होगा। जब सेंटेंस आप लोग जान जाएंगे कि किसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। यकीनन ये सब जो है हमने हल्के सेंटेंस लिए हैं, जो आप जो हैं अभी जीरो से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश, और एक्चुअल में इंग्लिश जीरो से जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग जो है हीरो बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट, सी इज ब्यूटीफुल, अब किसी की विशेषता, वह लड़की है लेकिन सुंदर है, तो वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज, अब वह लड़का रहता तो क्या कहते हैं, ही इज ब्यूटीफुल, अब हम सुंदर रहते तो क्या कहते हैं, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। सिंपल सी बात है, आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। ही इज एंग्री, अब किसी कोई जो है गुस्सा है, वह गुस्सा है, तो उस वो जो है अपना क्या एक्सप्रेशन दिखा रहा है, इमोशन दिखा रहा है, इमोशन, जब इमोशन वो अपना भाव प्रकट कर रहा है, हम देख रहे हैं कि वो जो है गुस्सा है, तो ही इज एंग्री। तो आपको जो है ये सब देखना होगा। दे आर ब्रेव, उसकी विशेषता क्या है कि वे लोग जो है बहादुर हैं, तो वे लोग बहादुर हैं, तो दे आर ब्रेव, दे आर ब्रेव, मैं बहादुर हूंगा तो मैं क्या कहूंगा, आई एम ब्रेव। सिंपल सी बात है, आपको सेंटेंस बनाना आ गया, समझिए कि इंग्लिश जो है आपके लिए बहुआ है, समझ गए। नेक्स्ट है, वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं, वी आर टायर्ड, मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड, वह थका है, ही इज टायर्ड, है कि नहीं। अब देखिए, ये आप सीख गए, यकीनन हम लोगों का जैसे जैसे क्लास चलेगा आप जो है इंग्लिश में रियल में बहुत बेटर बनने वाले हैं। देखिए, जैसे इट का प्रयोग कहाँ होता है, और इट के साथ हम लोग भी जानते हैं कि इज का ही प्रयोग होता है, ये तो हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में। तो इट का प्रयोग कहाँ होता है, तो इट का प्रयोग वहां होता है जब किसी को हम लोग समय बताते हैं, जब किसी को हम मौसम का हाल बताते हैं कि आज सर्दी है, आज गर्म है, आज ठंडा है, तो वहां पे इट का प्रयोग होगा। जहां पे टाइम का जहां टाइम हम लोग बताएंगे, कोई पूछेगा आपसे कि समय कितना हो रहा है, तो समय के लिए क्या कहेंगे, इट इज 6 o'clock, अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तो सुबह के 6 बज रहे हैं, इट इज 6 o'clock। आपसे जो भी जो है टाइम पूछे तो टाइम में हम लोग जो है इट का प्रयोग करेंगे, और आपसे जो है मौसम का हाल पूछे कि आज कैसा मौसम है, तो इट इज हॉट टूडे, आज जो है गर्म है, आज गर्म है, गर्मी है, इट इज हॉट टूडे। और आपसे जो है जब पूछा जाए किसी जानवर के बारे में या किसी इंसान के बारे में, लेकिन हम उसके जो है लिंग से कंफर्म नहीं है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो है हम बच्चे के लिंग से कंफर्म नहीं होते हैं कि वो बच्चा जो है लड़का ही है कि लड़की है, जब कंफर्म नहीं होते हैं तब जो है हम इट का प्रयोग करते हैं। जब लिंग को लेकर हम लोग कंफर्म नहीं होते हैं तो इट का प्रयोग करते हैं, मौसम का हाल बताना हो तो इट का प्रयोग करेंगे, किसी को टाइम बताना हो तो इट का प्रयोग करेंगे, समझ गए। तो इट इज 6 o'clock, 6 बज रहे हैं, इट इज हॉट टूडे, आज गर्मी है, इट इज बॉय, वह एक लड़का है, अब कंफर्म नहीं है तब हम बताए हैं, ठीक है। जब कंफर्म रहेंगे तो क्या, तो ही इज ए बॉय लगाएंगे, लेकिन कंफर्म हम नहीं है कि जिसका जन्म हुआ है वो लड़का है या लड़की है, ठीक है।
इट इज रेनिंग हेविली, जोर से बारिश हो रही है, जोर से बारिश हो रही है। कोई आपसे पूछा कि बारिश कैसी हो रही है, तो हम उसको मौसम के बारे में बता रहे हैं, इट इज रेनिंग हेविली, यानी कि जोर से बारिश हो रही है। इट इज नॉट वर्किंग, जब जो है आपका सामान कोई खराब हो जाता है और उसके लिंक के बारे में पता नहीं चलता है, जैसे आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं और मान के चले कि मोबाइल खराब है, आपसे कोई आके पूछा कि ये क्या हो गया, तो क्या कहेंगे, इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग। जब हमको कोई सामान के बारे में पता नहीं रहता है तब कहते हैं कि इट इज नॉट वर्किंग, और अगर हमको पता रहता है, मान के चलिए कि आपका मोबाइल है, तो क्या लिखते हैं, मोबाइल इज नॉट वर्किंग, मोबाइल इज नॉट वर्किंग। इट के जगह क्या लिखते हैं, मोबाइल इज नॉट वर्किंग। लेकिन हमको जब पता नहीं रहता है कोई सामान के बारे में, लिंक के बारे में, तब जो है हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसके बारे में आप जान गए, आपको क्या करना है, इन सभी से जो है अपने बारे में, इन सभी जो जो टॉपिक बताए हैं, इन सभी के बारे में अपनी जो है सेंटेंस को दिमाग में लाना है, और घर पे जो है 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस, जब आपको समय मिले, जब जब जो है प्रैक्टिस करते रहना है कि आई एम अ बॉय, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, सी इज अ वेरी गुड गर्ल, ये सब जो है आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इट इज अ 7 o'clock, इट इज अ 8 o'clock, इट इज अ 9 o'clock, ये सब प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है आपको बहुत बेटर बनाने का एक जो है बहुत अच्छा मार्ग है। अब देखिए, यूज ऑफ आईएनजी, आईएनजी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आईएनजी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आईएनजी जो है जिसको हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं, मुख्य क्रिया जो है आईएनजी को बोला जाता है। जैसे देखिए, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसका प्रयोग जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट टेंस में कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग जो है हम लोग पास्ट टेंस में कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो ये जो है प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखिए, आई एम अ टीचर्स, मैं एक शिक्षक हूँ, आई वॉज ए टीचर्स, मैं एक शिक्षक था, आई विल ए टीचर्स, मैं एक शिक्षक बनूंगा, है कि नहीं। तब जो है इसमें इसमें भी आप तीनों टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी जो है तीनों टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें भी जो है तीनों टेंस का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आई एन जी के बारे में, तो आई एम अ टीचिंग, तो आईएनजी जो है मेन वर्ब होता है, और जब मेन वर्ब का जो हम प्रयोग करते हैं तो तीनों टेंस में हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा चुका हूँ, आई विल टीचिंग, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, है कि नहीं। आई विल गो टीचिंग, यानी कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। अब लड़की रहती तो क्या कहते हैं, she is laughing, वह जो है हंस रही है। they are playing, वे लोग जो है खेल रहे हैं, ठीक है। she was writing, वह लिख रही है। I was student, मैं विद्यार्थी था। तो इन सभी का जो है आईएनजी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मुख्य क्रिया है आईएनजी, और जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें आईएनजी का उपयोग करते हैं, और आई के साथ जनवे करते हैं आप लोग कि किसका किसका प्रयोग होता है, ही के साथ जनवे करते हैं, दे के साथ आर के प्रयोग होता है। पिछले क्लास को आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपनी या दूसरों का जगह बताना, इसका प्रयोग जब हम लोग कब करते हैं आईएनजी, जब काम करते हैं तब। अब जो है अपनी या दूसरों का जगह बताना, जब हमसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ हैं, तब हम क्या कहेंगे, आई कहाँ से हैं, तो आई एम फ्रॉम पटना, मैं पटना से हूँ। अब पूछेगा कि वह कहाँ से है, तो ही का वह कहाँ से है, तो सी इज फ्रॉम दिल्ली। अगर जो है लड़की रहती तब क्या कहते, ही इज फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम पटना, मैं पटना से हूँ। लड़की रहेगी तो सी इज फ्रॉम दिल्ली। अब लड़का रहेगा तो ही इज फ्रॉम दिल्ली। अब वे लोग यानी बहुत सारे हैं तो दे आर फ्रॉम दिल्ली, है कि नहीं। दे देखिए मुंबई, तो दे
इधर दे लिखाएगा दे आर फ्रॉम मुंबई, यानी कि इसका। हाँ एक बात और, जब अपनी या दूसरों का जगह बताना होता है तो उसका प्रयोग जो है सिर्फ हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही हमसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, फ्यूचर में तो नहीं पूछेगा, है कि नहीं, फ्यूचर या पास्ट में नहीं पूछेगा। तो इसका बात का ध्यान रखना है कि जब आपसे जगह बताना हो अपनी या दूसरों का, तो उस जो है प्रेजेंट टेंस में ही सिर्फ होता है, पास्ट या फ्यूचर्स में नहीं होता है, और उसके साथ जो है आप नुकसान गए। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, हमें आशा है कि आपको इंग्लिश सिखाने में ये तीसरा क्लास बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लोगों तक पहुंचने में आप जो है हमारी बहुत मदद कर सकते हैं शेयर करके। सो गाइस वीडियो देखें, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।